हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में लॉकडाउन का सही उपयोग कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेके आया हूँ, महाद्वीप, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पृथ्वी पर पहले एक पार्ट था, फिर उसके दो भाग हुए, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। जो उत्तरी पेंजिया था उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया, और जो दक्षिणी पेंजिया था उसको गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड था उत्तरी पेंजिया, उससे दो दो भाग हुए। कौन कौन से? एक तो उत्तरी अमेरिका और एक यूरेशिया। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया। फिर गोंडवाना लैंड में देखते हैं, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से पार्ट बने हैं? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। मैप में भी देख सकते हैं, मैप में क्या है, जो सी ग्रीन में है ये है नॉर्थ अमेरिका, रेड कलर में साउथ अमेरिका, नीचे डार्क ब्लू में अंटार्कटिका, ये ब्लू बीच में ब्लू कलर में अफ्रीका, इधर येलो कलर में यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, और इधर ये लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, या इसको ओसोनिया भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के जो सात कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो पृथ्वी के सात महाद्वीप है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, भी कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा, बड़े से लेके छोटे तक बात करेंगे। तो एशिया सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, फिर सेकेंड पे आता है अफ्रीका, थर्ड पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, और सिक्स्थ पे यूरोप, और लास्ट में सेवन्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा एशिया। फिर जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पाँचवें पे दक्षिणी अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में सात सेवन्थ पे है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है यहाँ पे कोई भी जो ह्यूमन बींग्स है वो यहाँ पे निवास नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है हर टाइम, तो यहाँ पे जीवन इतना मतलब संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लोग नहीं रहते। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उस पर बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम किन्होंने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। और जो ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओसोनिया जो महाद्वीप है, इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 14 देश सम्मिलित हैं। फिर बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और यहाँ से जो मकर रेखा है वो बिल्कुल बीच से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व उत्तर में या उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को जो क्षेत्रफल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो फर्स्ट है पूर्व में क्वींसलैंड, और इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। फिर सेकेंड पे आता है न्यू साउथ वेल्स, और इसकी कैपिटल है सिडनी। फिर थर्ड नंबर पे विक्टोरिया, जिसकी कैपिटल है मेलबर्न, और फोर्थ पे है साउथ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है एडिलैंड, और लास्ट में जो पार्ट रहा है वो कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और इसकी राजधानी है पर्थ। फिर पर्थ के बारे में थोड़ा बहुत और देखते हैं, तो ये जो पूरी तरह पश्चिमी तट पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया का शहर है, तो ये पर्थ है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जिसके पार्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे येलो कलर में, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो दिखा रखा है, इसकी कैपिटल पर्थ दिखा रखी है। फिर ऊपर थोड़ा ब्लू कलर में, लाइट ब्लू में नॉर्थर्न टेरिटरी है, जिसकी जो कैपिटल है डार्विन वो दिखा रखी है। साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसकी एडिलैंड कैपिटल है वो दिखा रखी है। इधर नीचे स्काई ब्लू कलर में विक्टोरिया दिखा रखा है, जिसकी मेलबर्न कैपिटल है।
और नीचे ये तस्मानिया है जो कि अलग देश है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की। तो जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है वो लगभग मरुस्थलीय है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो प्रशांत महासागर से उठकर जो आने वाली मानसून पवनें हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा कर केवल पूर्वी भाग में ही वर्षा करती है, जिस कारण जो पश्चिमी भाग है इसका वो क्या है, सूखा रह जाता है। इस कारण यहाँ का जो मरुस्थली भाग है उसको विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। और इसी विक्टोरिया मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है इमू, जो कि अपने साइज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं घास के मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य तौर पर कितने घास के मैदान पाए जाते हैं? दो ही पाए जाते हैं। एक तो उपोषण घास का मैदान, जिन्हें हम स्वाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो शीतोष्ण का है, डाउन्स का घास का मैदान। ठीक है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के पर्वत, नदियों और झीलों की बात करते हैं। तो इस टेबल के अनुसार हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख पर्वत कौन सा है, डार्लिंग रेंज। तो डार्लिंग रेंज से कौन सी नदी निकलती है? मर्रे नदी। और इसी इसी पर है आयर झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। फिर बात करते हैं मैकडोनल श्रेणी की, जिस पर जिसकी नदी कौन सी है, डार्लिंग नदी। और इसी पर एक झील है डिसअपॉइंटमेंट लेक। फिर बात करते हैं माउंट ग्रे की। तो माउंट ग्रे से कौन सी नदी निकलती है, विक्टोरिया नदी। और इस पर जो प्रमुख झील है वो कौन सी है, बार्ली झील। फिर बात करते हैं सेंट मेरी पहाड़ी की। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, स्वान नदी। और इस पर कोई प्रमुख झील नहीं है। फिर बात करते हैं ब्लू माउंटेन्स की। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, मुरम्बिजी। और इस पर ही कौन सी जो झील है, ऑस्टिन झील है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं ग्राम्पियन की। जो ग्राम्पियन माउंटेन है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गिलबर्ट। और जो गिलबर्ट है वो कहाँ पे जाके, कहाँ किस खाड़ी में गिरती है, तो कार्पेंटिया पेंटेरिया की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद जो अन्य माउंटेन्स या फिर जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जो हिलियर झील है जो आयरलैंड झील के पास में ही है, तो इसका रंग जो गुलाबी है इस कारण यह प्रसिद्ध है। फिर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, कोस्यूस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2228 मीटर है। फिर हम बात करते हैं मर्रे डार्लिंग नदी की। मर्रे और डार्लिंग दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो इन दोनों जो नदियां हैं, इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र है रेवरीना का क्षेत्र, जिसको सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है। फिर क्या है कि ये दोनों जो संयुक्त धारा में मिलकर एडिलैंड के समीप स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खनिज व अन्य उत्पादन की। तो सबसे पहले हम बॉक्साइट देखते हैं। तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, और यह ऑस्ट्रेलिया के जो वाइपा या जिसको हम विपा क्षेत्र बोलते हैं वहां पे पाया जाता है। और जो विपा क्षेत्र है यह विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लोहा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोहा है वो गिब्सन मरुस्थल में पिल्बरा क्षेत्र में पाया जाता है। फिर पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम यह सिम्पसन जो मरुस्थल है वहाँ पे एक स्थान है एलिंग स्प्रिंग, उस क्षेत्र में पाया जाता है। फिर बात करते हैं हीरे की। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो आर्गले है वहाँ से रेड डायमंड यानी कि लाल हीरा प्राप्त किया जाता है। फिर हम बात करते हैं गोल्ड यानी सोना की। तो जो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कालगुरडी है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वो विक्टोरिया जो मरुस्थल है वहाँ से जो सोना निकाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो सोना उत्पादन में स्थान है वो कौन सा है, दूसरा स्थान है। तो आप कमेंट में बताइए कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है। फिर बात करते हैं यूरेनियम की। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेरी कैथरीन एरिया है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। लेकिन सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है, कनाडा करता है। चलो आपको सोना उत्पादन में जो प्रथम स्थान है उसका आंसर बता देते हैं। तो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान है चाइना का, और जो सेकंड है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। फिर हम बात करते हैं मेरीना बेल्ट।
तो जो मेरीना बेड है इसके कारण ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है और इसी कारण इसको सुनहरी ऊन का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अन्य जो फैक्ट है वो कौन कौन से हैं? यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और इसके बारे में जो विश्व में सबसे महंगी बिजली वो कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड इन दोनों को किस देश के नाम से जानते हैं? अनजान देश के नाम से भी जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो किसके बीच में है? पर्थ और सिडनी के बीच में है। फिर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दूसरे देश न्यूजीलैंड की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी और इसकी पुष्टि कब की गई? 1769 में। किन्होंने की थी? तो कैप्टन कुक ने की थी। ठीक है, और जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो कौन सी है? वेलिंगटन। और इसकी जो संरचना है, जो भौगोलिक संरचना है, इसकी उपजाऊ भूमि को देखते हुए इसकी जो शेप है वो किसके साथ मिलती है? ब्रिटेन के साथ मिलती है, तो इस कारण इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। न्यूजीलैंड की अन्य बातें क्या है? तो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है इनके मध्य तस्मान सागर स्थित है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? कैटम्बरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड मुख्यतः पहाड़ी देश है और जो न्यूजीलैंड की जो 85% जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। और जो यहाँ के मूल निवासी है न्यूजीलैंड के, उनको क्या किस नाम से जानते हैं? माओरी कहा जाता है उन्हें। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप एपी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए।